एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब क्या है? अब मैनकाइंड का मतलब यहां पर है इंसानियत, इंसानियत। सर्विस का मतलब है खिदमत, फायदामंद। तो इस टॉपिक का मतलब यह है कि बायोलॉजी जो है ये इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होती है। जाहिर सी बात है, बायोलॉजी में जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो किसी ना किसी तरह इंसानों के लिए, हमारे लिए जो है वो फायदेमंद साबित होता है। तो इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी जो है वो इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है या हो रही है। तो इस हवाले से हमने देखा है, हमारी बुक में ये मेंशन किया गया है कि बायोलॉजी में जो नॉलेज हम हासिल करते हैं, द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी में जो नॉलेज हम हासिल करते हैं, इट हैज बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज। तो ये बताया गया है हमें कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो कई तरीकों से, इन मैनी वेज, वो इंसानों की खिदमत कर रहा है कई वेज में, कई तरीकों से। कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो कई तरीकों से हमारी मदद जो है वो कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनमें बायोलॉजी जो है वो हमारी मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, हम अपनी खुराक की जो पैदावार है उसको हम बायोलॉजी के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बढ़ा सकते हैं। कम्बैटिंग अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए बायोलॉजी जो है उसका नॉलेज इस्तेमाल होता है। आज जितनी भी बीमारियों पर काबू पाया जा चुका है, वो तमाम जो बीमारियों पर काबू पाया जा चुका है वो सब किसकी मरहूने मिन्नत है? बायोलॉजी की मरहूने मिन्नत है। बिल्कुल इसी तरह प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दिन ब दिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आलूदा होता चला जा रहा है। एनवायरनमेंट में मौजूद जो बायोडायवर्सिटी है वो कम होती चली जा रही है। तो एनवायरनमेंट को महफूज करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए भी बायोलॉजी जो है उसका नॉलेज हमारी रहनुमाई जो है वो करता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक था हमारा कि बायोलॉजी जो है वो इंसानों की खिदमत कैसे करती है, इंसानों के लिए फायदेमंद कैसे साबित होती है। तो हमने देखा, हमने पढ़ा कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो कई तरीकों से इंसानों की जो है वो मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पर खुराक की पैदावार को बढ़ाकर, मिसाल के तौर पर बीमारियों के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी पैदा करके, मिसाल के तौर पर एनवायरमेंट को महफूज बनाकर। तो बारी बारी इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे कि कैसे बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए हम खुराक की पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करके हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए अपने एनवायरनमेंट को महफूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो अक्सर बोर्ड पे पूछे जाते हैं। तो इसको हमने गौर से जो है वो समझना है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब इस टॉपिक में हमने क्या देखना है, क्या पढ़ना है कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है या बायोलॉजी में जो मेथड्स हम स्टडी करते हैं उसके जरिए हम अपनी खुराक की जो पैदावार है, फूड प्रोडक्शन जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो ये चंद स्टेप्स हैं, चंद स्टेप्स में हम इस टॉपिक को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। हर स्टेप में हम खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नया मेथड जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि पहला जो तरीकाकार है, पहला तरीकाकार क्या है,
कि प्लांट प्रोडक्शन हैज कैन बी ट्रीमेंडसली इंक्रीज्ड, कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी खुराक की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट की जो पैदावार है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लांट्स की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी पैदा होता है कि कौन से प्लांट्स की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा, उन प्लांट्स की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा जिनको हम अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, हमने सिर्फ उन प्लांट्स की मिकदार को बढ़ाना है जिन प्लांट्स को हम अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला मेथड क्या है खुराक की पैदावार को बढ़ाने का, कि हम प्लांट्स की जो तादाद है उसमें कई गुना, ट्रीमेंडसली कई गुना जो है उसमें इजाफा करें। अब कैसे इजाफा करेंगे, तो बायोलॉजी हमें कहती है कि आप बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वराइटीज के, वराइटीज कहते हैं इकसाम, टाइप्स, एग्जिस्टिंग मीन जो मौजूद है, कि हमारे पास जो प्लांट्स की जो इकसाम पहले से जो इकसाम मौजूद हैं प्लांट्स की, हमें चाहिए कि हम उन प्लांट्स की जो इकसाम है, वो जो प्लांट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उन प्लांट्स की इकसाम को इम्प्रूव कर दें, उनको बेहतर बना दें, कि हमारे पास जो प्लांट्स की जो इकसाम जिनको हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो प्लांट्स पहले से मौजूद हैं, हमें चाहिए कि उन प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, इम्प्रूवमेंट कर दी जाए। अब जब हम पहले से मौजूद प्लांट्स की जो इकसाम हैं, जब हम उनमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे बाय यूजिंग बायोलॉजी, जब हम उनमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे, तो इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, हम ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर लेंगे जिनमें जो कि ज्यादा पैदावार जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे और जिनमें बीमारियों के खिलाफ भी रेजिस्टेंस मौजूद होगी। अब हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि प्लांट की जो पैदावार है उसको हमने कई गुना बढ़ाना है। अब बायोलॉजी हमें कहती है कि आप क्या करें, आपके पास जो पहले से जो प्लांट्स की जो इकसाम पहले से मौजूद हैं, आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर दें। इम्प्रूवमेंट करने के बाद हमें ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जो जो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंट होंगे, जिससे वो पैदावार भी ज्यादा देंगे, तो ऑटोमेटिकली प्लांट की जो प्रोडक्शन होगी उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि अगर हम प्लांट्स की पैदावार को बढ़ा, देखिए हमारी खुराक जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, मोस्टली प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। अगर हम प्लांट्स की पैदावार में इजाफा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फूड प्रोडक्शन जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि प्लांट की पैदावार को अगर हम कई गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो पहले से प्लांट्स की जो इकसाम मौजूद हैं, हम उनके अंदर बायोलॉजी की मदद से इम्प्रूवमेंट ले आएं। उससे क्या होगा, हमारे पास जब हम उन प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे तो वो प्लांट्स ऐसे प्लांट्स में तब्दील हो जाएंगे जो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंट होंगे, और ऑटोमेटिकली जब बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंट होंगे तो उनकी पैदावार में भी इजाफा हो जाएगा। तो यूं हम प्लांट की, उन प्लांट्स की पैदावार को बढ़ा सकते हैं जो कि हमारी खुराक का जरिया है। दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा जो स्टेप है वो है कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने एक मेथड इस्तेमाल किया। बायोलॉजी में एक मेथड इस्तेमाल होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इस मेथड में दो एनिमल्स या दो
प्लांट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। याद रहे जो प्लांट्स या जो एनिमल्स सिलेक्ट किए जाते हैं उनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात मौजूद होती हैं, तो उनके दरमियान क्रॉस करवाकर हम ऐसा नया प्लांट या नया एनिमल बना लेते हैं जिसमें उन दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक काओ है जो ज्यादा जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो करती है, एक काओ जो है वो ज्यादा मीट प्रोडक्शन करती है। अब अगर हम इन दोनों काउस को सिलेक्ट करने के बाद इनके दरमियान ब्रीडिंग करवा दें तो उसके नतीजे में जो हमारे पास नई जो काउ डेवलप होगी उसमें मीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नतीजे में जो प्लांट्स या जो एनिमल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रीडर्स। ब्रीडर्स तो प्लांट्स और एनिमल ब्रीडर्स अगर हम बनाना शुरू कर दें तो उससे भी हमारी खुराक की पैदावार में जो है वो इजाफा हो सकता है। दूसरा तरीका कार स्टूडेंट्स खुराक की पैदावार बढ़ाने का, खुराक की मिकदार बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स जो है वो तैयार कर लिए जिनसे हम बहुत ज्यादा पैदावार खुराक की हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं उन्होंने ब्रॉयलर्स को जो है वो तैयार किया है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं, इनसे हम बहुत चंद दिनों में जो है वो सस्ता मीट जो है वो हासिल कर सकते हैं कि थोड़े दिनों में ही ब्रॉयलर्स जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा मिकदार में और बहुत सस्ता जो मीट है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी थी। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए मेंडल के लॉस को मद्देनजर रखा जाता है। ये नहीं है कि दो प्लांट्स या एनिमल सिलेक्ट किए और उसके दरमियान ब्रीडिंग करवा दी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब वो रूल यहां पर कौन सा है, डेट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जीनेटिक्स, कि मेंडल के जो लॉज ऑफ जीनेटिक्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दो प्लांट्स या दो एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनके दरमियान सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर बहुत सारे प्लांट या एनिमल ब्रीडर्स तैयार कर लिए जाते हैं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट्स तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो है वो क्या है कि जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, कि अगर हम प्लांट्स में अपनी पसंदीदा खसूसियात पैदा करना चाहते हैं तो हम उन प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स दाखिल कर सकते हैं जिनसे उन प्लांट्स में हमारे पसंदीदा कैरेक्टर्स पैदा किए जा सकते हैं। हम ऐसे जीन्स भी प्लांट्स में दाखिल कर सकते हैं जो उन प्लांट्स को इस काबिल बना सकते हैं कि उन पर किसी बीमारी का कोई असर नहीं होगा। बायोलॉजी में रिसेंटली एक टेक्निक डिस्कवर की गई, जीनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जिसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब बायोलॉजी की इस टेक्निक की मदद से हम किसी भी प्लांट्स में, हम मुख्तलिफ प्लांट्स में ऐसे जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं जो कि उनमें डिजीज रेजिस्टेंट की सलाहियत पैदा कर सकता है और उन प्लांट्स में हमारे डिजायरेबल, हमारे मतलूबा कैरेक्टर्स, हमारी पसंदीदा खसूसियात पैदा कर सकता है। तो ऐसे प्लांट्स तो अगर जीनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम प्लांट्स में मुख्तलिफ डिजीज रेजिस्टेंट और डिजायरेबल कैरेक्टर्स पैदा करने वाले जीन्स दाखिल कर सकते हैं, तो यूं जो हमारे पास प्लांट्स बनेंगे उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम जो है वो देंगे। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स, डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स दाखिल किए जा चुके हैं।
ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब इन पर ना ही किसी बीमारी का कोई असर होगा और इनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात भी मौजूद होगी। अब ये जो प्लांट्स हम तैयार करते हैं इनकी तादाद को हम बढ़ाने के लिए एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डेट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लांट था, हमने क्या किया, जीनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उस प्लांट में एक डिजीज रेजिस्टेंट और डिजायरेबल करैक्टर रखने वाला एक जीन हमने उस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, एंटर कर दिया। अब जो नया प्लांट हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। अब उस ट्रांसजेनिक प्लांट की मिकदार को बढ़ाने के लिए, तादाद में इजाफा करने के लिए, प्रोपेगेट का मतलब होता है तादाद में इजाफा करना, अब उसकी तादाद हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। कि सिंपली जीनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमने एक प्लांट में डिजायरेबल करैक्टर्स और डिजीज रेजिस्टेंट वाले जीन्स दाखिल करके हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। फिर उस ट्रांसजेनिक प्लांट की तादाद को बढ़ाने के लिए हमने बायोलॉजी की ही एक और टेक्निक का सहारा लिया, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो इस तरह यूं इस टेक्निक के जरिए हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं और उनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात भी मौजूद हैं। पसंदीदा खसूसियात से क्या मुराद है, कि उनकी स्मेल अच्छी है, उनसे हम ज्यादा केमिकल्स हासिल कर सकते हैं, ज्यादा फूड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेप है जिससे हम प्लांट्स की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जब पैदावार में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी खुराक की जो पैदावार होगी उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अब होता कुछ यूं था, माजी में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो उन पर मुख्तलिफ फंजाई हमला करते थे, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े हमला करते थे, जिसकी वजह से वो प्लांट्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाते थे, जिसकी पैदावार में बहुत हद तक जो है वो कमी आ जाती थी। अब उन दिनों पेस्टिसाइड मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन केमिकल्स के इस्तेमाल से वो जो फंजाई हैं, वो जो इंसेक्ट्स हैं वो तो मर जाते थे, लेकिन उन केमिकल्स से एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी, उन केमिकल से प्लांट की अपनी क्वालिटी पर जो है वो इफेक्ट पड़ रहा था। तो जैसे कि वो कहता है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, के प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि पैथोजिन के तौर पर अटैक करते हैं और उनमें बीमारियों का बायस बनते हैं। इसी तरह फसलों पर बहुत सारे हशरात कीड़े मकोड़े जो हैं वो हमला करते हैं, जिससे क्या होता था कि फसलों की और प्लांट्स की जो पैदावार थी वो कम हो जाती थी, ये कमजोर पड़ जाते थे और इनकी पैदावार जो है उसमें खातिर हद तक जो है वो कमी वाकिया होती थी। अब माजी में क्या होता था, माजी में इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, फसलों पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए, प्लांट्स पर मौजूद मुख्तलिफ फंजाइस को मारने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का स्प्रे किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स के नाम से जो है वो जानते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बायोलॉजी में प्रोग्रेस होती चली गई तो पता चला कि इन केमिकल्स के इस्तेमाल से जहां पर हम इन पेस्ट्स को, इन फंजाई को तो काबू में कर लेते हैं, वहीं पर इन केमिकल्स की वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट होती है, वहीं पर इन केमिकल्स की वजह से प्लांट की क्वालिटी पर भी जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बायोलॉजिस्ट ने कोशिशें शुरू कर दी कि कोई ऐसा मेथड बनाया जाए जिससे हम फसलों में प्लांट्स पर मौजूद जो कीड़े मकोड़े हैं, फंजाई जो हैं, उनको भी खत्म कर दें और प्लांट्स की क्वालिटी और एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी पैदा ना हो। तो आखिरकार साइंटिस्ट जो हैं वो एक मेथड डिस्कवर करने में कामयाब हुए, डेट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, बायोलॉजिकल मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर काबू पाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना, उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल वो कहता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में मुख्तलिफ पेस्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल किया जाता है।
कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कुदरती तौर पर उन पेस्ट के साथ जो है वो कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनको अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पेस्ट्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम पेस्ट को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में वो हमें बताता है कि जैसे एफिड जो है, एफिड, अब एफिड एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो कि वॉलनट ट्री, अखरोट के जो दरख्त होते हैं, वॉलनट ट्रीज जो हैं, उन पर अटैक करता है और उनसे खुराक हासिल करता है, जिससे वॉलनट ट्री जो उनकी पैदावार में खातर ख्वाह कमी आती है। अब एफिड को खत्म करने के लिए अगर हम उस जगह पर वैस्प, बीड़ जिसे हम कहते हैं, बीड़, वैस्प को अगर हम उस जगह पर छोड़ देते हैं तो वो वैस्प क्या करता है, वो वैस्प इस एफिड को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं नेचर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हमला करता है और उसे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो एक्चुअली में जो वैस्प है वो एक नेचुरल प्रीडेटर है एफिड का। तो अगर हम उस जगह पर जहां पर वॉलनट ट्रीज मौजूद हैं, अगर वहां पर हम किसी वैस्प को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो वैस्प उस जगह पर मौजूद एफिड पर नेचुरली अटैक करेगा और उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर। अब वैस्प की वजह से वॉलनट ट्री पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इससे प्लांट्स जो हैं उनकी क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और हम उन प्लांट्स पर अटैक करने वाले जो पेस्ट्स हैं उनको भी हम जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो ये चंद मेथड्स हैं जिनके जरिए हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो पैदावार है उसमें इजाफा कर सकते हैं।